some more. गाइस निकल चुके हैं घर से, आज नए दिन की नई शुरुआत। मनीष भाई आ गए। हाय गाइस, कैसे हो? सब ठीक है? तो हम जा रहे हैं आज द्वारका जा रहे हैं, और ये हेलमेट निकाल रहे हैं, हेलमेट डाल के जाएंगे। हेलमेट जरूरी है अगर राइडिंग कर रहे हो स्कूटी में बाइक पे, हेलमेट जरूर पहनो। और जाना भी दूर है। और भाई हम निकल चुके हैं, बस जा रहे हैं कहीं दूर राइडिंग पे। आज का ब्लॉग भी आने वाला है, काफी इंटरेस्टिंग होएगा आज का ब्लॉग। पहले हम कहाँ जा रहे हैं भाई? हम जा रहे हैं नीलकंठ, द्वारका में पड़ता है, द्वारका में मंदिर है, नीलकंठ साईं मंदिर के साथ में है, वहाँ जा रहे हैं हम। तो वहाँ जाके आपको दिखाते हैं द्वारका, फिर उसके बाद जा रहे हैं दिल्ली आर्ट, उसके बाद दिल्ली आर्ट जाएंगे, वहाँ वीडियो बनाएंगे, वीडियो बनाने के बाद फिर कुछ खाने के लिए जाएंगे, आपको सब दिखाएंगे आज। और बाकी गुरुद्वारे भी जाऊँगा आज, फतेह नगर शाम के टाइम सब दिखाऊंगा। आज का लंबा सफर होने वाला है, तो दिल थाम के बैठे रहे। तो आज आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, इंटरेस्टिंग दिखाएंगे आपको आज पूरा ब्लॉग। और एक कल ब्लॉग बनाया था, इलेक्शन डे था, उसमें तो सब कुछ बंद था, दिल्ली आर्ट भी सब कुछ बंद था। आज सब जगह दिखाएंगे, खुला होएगा। हमें पेट्रोल डलवाने हैं अंकल से, स्कूटी में पेट्रोल डल रहा है, टैंकी फुल करा रहे हैं, द्वारका जाएंगे। और ये हम रेड लाइट पे रुक रखे हैं, द्वारका पहुंचने वाले हैं। दिल्ली में बड़ा जाम है, आज ही जाम था, कल था नहीं, कल इलेक्शन था तो कल बिल्कुल खाली था, रोड खाली था, आज जाम। रेड लाइट पे रुक रखे हैं पर जाम बहुत है, चल पड़े आगे, द्वारका के लिए निकले हैं। ये हम उत्तम नगर आ गए, मैं पहले यहाँ रहता था, इतना यहाँ जाम लगा रहता है, भीड़ ही भीड़ है, यहाँ रहता रहा अग्रवाल। आगे बहुत जाम है, यहाँ पे जाम देखो कितना है। उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो आ गया, यहाँ जाम में इतना है, इतना कहने की हद नहीं, क्या कर सकते हैं, जाना तो आई है ना भाई। हाँ भाई, मंदिर भी जरूरी है, चाहे जितनी दूर हो जाना पड़ता है, चाहे जितना ट्रैफिक जाम क्यों ना हो पर मंदिर तो जाना ही जाना है। हाँ, श्रद्धा मन में होनी चाहिए, वीडियो तो हमें डेली बनाते हैं। देखो कितना जाम है, द्वारका वाली रोड है ना ये, जा रहे हैं नीलकंठ है ना, नीलकंठ धाम। हाँ बहुत फेमस है, दूर दूर से वहाँ से वहाँ पर बंदे आते हैं। प्लीज गाइस, आप भी जाने एक बार दर्शन करने के लिए, बहुत अच्छा बना हुआ है मंदिर वहाँ पर। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी जाएं, हम भी हो गए, हमारे इतना दूर तो है नहीं, बंदे दूर से आते हैं हमारा। तो मैं तो कब से जा रहा हूँ, पर तरुण फर्स्ट टाइम जा रहा है मंदिर, इसको भी दिखा के आता हूँ कैसा बना हुआ है, साथ साथ तुम्हें भी दिखाएंगे। मैं भी फर्स्ट टाइम है मेरा, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। हद से ज़्यादा जाम है, अभी तक हम यहीं हैं, द्वारका में ही फंसे पड़े हैं, मंदिर तक नहीं पहुँचे, नवादा पहुँच चुके हैं, नवादा पहुँच गए हैं, पर जाम इतना है। यहाँ पे रोड इतनी छोटी है कि लग ही नहीं रहा कि रोड है, गली में चल रहे हैं, यहाँ रास्ते में ही उतर रहे हैं बंदे। ये यहाँ देखो कैसे इतनी भीड़ है, जाम सारे बंदे ने वाड़ी थी बीच में, पर हम भी कम नहीं है। वो जाम चेक करो दूर दूर तक, यहाँ तो हम फंस गए बड़ा गंदा, टाइम लगेगा बड़ा। यहाँ से भी रोड आ रही है ना, चाहे कुछ हो जाए जो मर्जी हो जाए पर मंदिर जाना ही जाना है आज, मंदिर जाना है, जाम तो बहुत है हद से ज्यादा, पर दिन देख ले अब, इसी वजह से लेट हो रहे हैं। कहीं तो सोचे हम पर दिन को वेट करा रहे हैं, दिल्ली आर्ट पहुंचने की बहुत तैयारी है।
टिकड़ी बॉर्डर पहुंच चुके हैं, डांसा बॉर्डर ना क्या है, टिकड़ी डांसा जो भी है, काफी दूर आ चुके हैं हम। और जाम यहाँ पे तो बहुत है, अभी आगे इतना जाम मिलेगा, पर कोई नहीं, जाना तो है ही, पर हमने हिम्मत नहीं हारनी, चाहे जितना मर्जी जाम क्यों ना मिले, सफर जाना है। सफर बहुत लंबा है, ये हम ब्रिज पे आ गए, नाला है ना, नाला नाला दो दो ब्रिज है, बीच में नीचे नाला, वाले ने आगे एकदम रोक दी, गाड़ी पे रुक गई, बच गए हम। हमने उनको थोड़ा सुनाया बर्बर के, सब लोग नहीं बना पाया, लड़ाई होने लग रही थी, पर हमने बोला क्या दिखाना लड़ाई भी। ये साईं मंदिर है, ये भी काफी ज्यादा फेमस है, इधर भी विजिट करें आके, शिरडी है ना साईं बाबा जी का मंदिर है, काफी अच्छा बन रखा है, अभी थोड़ा काम चल रहा है इस पे। मंदिर भी बस थोड़ी सी दूर है, एक ऐसा एरिया आ गया गांव टाइप का, पूरा ऐसा लग रहा है गुड़गांव आ गया है ना भाई। मंदिर पहुंच चुके नीलकंठ धाम, सीधी गली जा रही है, बस आ चुके हैं, यहाँ से स्ट्रेट है फिर लेफ्ट है, फिर हम अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। काफी सही एंट्री है, येरा नीलकंठ धाम, यहाँ से लेफ्ट मुड़ के येरा मंदिर आ गया, काफी अच्छा मंदिर बन रखा है, यूनिक सा है, पहली बार आ रहे हैं यहाँ, कब लोग भी आए ना, अभी तक कोई भी लोग नहीं आ रखा होगा, ये मंदिर पहुंच गए। जूते चप्पले जमा करा रहे हैं, मैं भी उतारू, जूते हो रहे हैं जमा, बैग भी कराएं, बैग ले चलते हैं, हो गए टोकन मेरे पास है, दे दिया। हम अपनी मंजिल पे पहुंच चुके हैं, मंदिर आ चुके, काफी बढ़िया मंदिर बन रहा है। रास्ते में देखा होगा कितना ट्रैफिक जाम मिला हमें, बस फिर भी हम आखिरकार पहुंच ही गए हैं। अच्छा जी, कमेंट्री में बोल दिया। और मैं भी आ गया बीच में। हां जी, अंकल जी भी आए, ये हमारे गुरु जी है, ये भी आ गए। बोलो ये लो, लाइक कर देना, हम इतनी मेहनत करते हैं। मंदिर में एंटर हो चुके, थोड़ा हाथ धो लिया, ये मंदिर में एंटर हो गए नीलकंठ धाम। इस मंदिर की बहुत मान्यता है, बहुत मान्यता है। ये रहा पूरा मंदिर, काफी अच्छा बन रखा है भाई, इधर आ जाओ। अच्छा,
नीलकंठ मंदिर है, बच्चे खेल कूद रहे हैं, काफी अच्छा मंदिर, काफी अच्छा बन रखा है। ये ओनली संडे खुलता है ना, संडे को, वीरवार को, जब बड़ा वीरवार होता है तब खुलता है, और वैसे संडे को खुलता है, वैसे संडे को ओपन होता है। तो आप एक बार यहाँ विजिट करना आके, द्वारका है ना, द्वारका में क्या कौन सी जगह है, ये है तुम्हारी द्वारका मोड़, द्वारका मोड़ से आ गया, स्टेट है साई मंदिर आता है, ये दूसरा मंदिर आ गया, हम दूसरे मंदिर उसी के बगल में बन रखा, ये भी काफी अच्छा बन रखा है। अगर आप द्वारका मोड़ आओगे उससे सीधा साई मंदिर आएगा, साई मंदिर से बिल्कुल स्टार्टिंग में ना नीलकंठ लिखा होगा, नीलकंठ धाम लिखा होगा। हाँ काफी अच्छा बन रखा है, काफी पब्लिक भी आ रखी है, मान्यता बहुत है इधर की, तो आप भी एक बार यहाँ पे विजिट करें, आ जाओ आगे दिखा। भाई चाय का प्रसाद ले ले, अब हम चाय पीने आ रहे हैं। ये चाय हम कहाँ से बनाए, बिस्कुट ले लो। हम चाय पीने हैं, पी रहे हैं, प्रसाद मिला और काफी अच्छा है मंदिर, चाय पी रहे हैं, चीयर्स। और हम यहाँ से निकल चुके हैं, हमने मंदिर मत्था टेक लिया, दिल्ली हाट जा रहे हैं वीडियो बनाने के लिए, और हेलमेट वेलमेट डाल के तैयार हैं, बस दिल्ली हाट के लिए निकल रहे हैं। ओके गाइस, सी यू, बाय बाय मंदिर, सी यू सून इन दिल्ली हाट। ओके बाय। ओके बाय। हम निकल चुके हैं मंदिर से, ये देखो दिल्ली का ट्रैफिक, हम बड़ा गंदा फंस रखे हैं, दो ट्रक और कार के पीछे, पूरा जाम ही जाम है। दिल्ली में इतना जाम है, एम्बुलेंस को जगह नहीं मिल रही, ये है दिल्ली का हाल, होता है कोई सीरियस कंडीशन पर समझते नहीं है, ये बस वाले बीच में रोक देते हैं एम्बुलेंस, सारा पेशेंट है सीरियस कंडीशन में और जाने नहीं दे रहे, हटते भी नहीं है यहाँ, जाम देखो कैसे, देखो एम्बुलेंस पीछे रोक दिए, बंदा कार आगे नहीं चला रहा, हटा ही नहीं रहा, कैसे अजीब बंदे हैं। तो जाम इतना हो रखा है, जगह नहीं मिल रही। दिल्ली हाट में एंटर हो चुके, पहला व्लॉग मेरा यहीं का था, अब मेरा ये कौन सा है, आठवां व्लॉग है, आठवां या नौवां व्लॉग है, तो अंदर टिकटॉक बनाने जा रहे हैं, मनीष भाई तो अभी तक आए नहीं, मनीष भाई घर गए हैं, वो जरा आ रहे हैं थोड़ी देर में, फिर बनाएंगे टिकटॉक वगैरह, आज पब्लिक कम है, पब्लिक आ जाएगी भाई थोड़ी देर तक, पब्लिक कम है आज, ज्यादा भीड़ भी नहीं है, जितनी न्यू ईयर पे बड़ी भीड़ थी, न्यू ईयर पे हद से आधा भीड़ थी, आज टिकटॉक के लिए जगह भी खाली है, आराम से बन जाएगी। हमने जैकेट चेंज कर ली, ये मेरे को आने नहीं, छोटी आ रही है बड़ी, और इसको तेरे को आ रही है जैकेट, मेरी आ रही है भाई, बहुत बड़ी आ रही है, इसका बड़ी आ रही है, और मुझे इतनी छोटी आ रही है। और दिल्ली हाट पहुंच चुके हैं, मनीष भाई भी आ गए, ये सुना रहा है बरबर के फरदीन, अपनी बसड़े निकाल रहा है सारी मनीष भाई पे, बढ़िया एकदम। हम दिल्ली हाट एंटर हो चुके, आना पैर छूने की भी, अब हम गुरुद्वारे आए हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये न्यू फ्रेंड, कल आपने देखा ही होएगा, तो थोड़ा हमने सोचा गुरुद्वारे भी जाया जाए,
अब खाने आशीर्वाद तो मिले भगवान का भी, वही तो ये रहा। भाई लोग मिले हैं, ये राहुल बचपन का दोस्त है मेरा, बुलेट पे आ रखा है। अरे लाइट आ रही है, खींच। अरे अपना पब्लू भाई जा रहे हैं, वी आर गोइंग। ठीक है भाई, मिलते हैं फिर। ओके भाई, ओके भाई, ओके पप्लू भाई। क्या नाम है वैसे? ईशान। चलो भाई चलो।